देखिए, जब जब कोई देवता ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई हमारी जगती बुलाई जाए, जगती का अर्थ है कि देवताओं की असेंबली, और ये जगती पट जो है ये एक ऐतिहासिक पत्थर है जो कि देवताओं ने मधुमक्खी का रूप धारण करके एक डंकार से तोड़कर यहाँ पर स्थापना की है। तो यहाँ पर ये देवताओं की बड़ी असेंबली होती है। वैसे छोटी छोटी जगतियाँ तो हर देवता के पास भी होती है, कई जगह पर होती है, लेकिन सबसे प्रधान देव जगती जो है वो नगर में है। तो इसका आयोजन और इसकी देखरेख के लिए जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती है नगर की, वो इसकी जो है गार्डियन है इस स्थल की। फिर उनसे अनुमति लेकर फिर गांव वाले एक टाइम के खाने का, रात का इनका प्रबंध करते हैं, और सुबह का जो है फिर जगती की तरफ से प्रबंध होता है। तो आज के इस आयोजन में 105 देवताओं ने भाग लिया है, उनके जितने प्रतिनिधि हैं। तो जब 105 का अर्थ होता है कम से कम 300, क्योंकि मिनिमम लोग दो तीन देवताओं के साथ होते हैं, और यही इसी को जगती कहा जाते हैं। और आज देवताओं ने निर्णय लिया है कि जो पिछली साल सरकार की रोक की वजह से, जो कि कोविड के फलस्वरूप रोक लगाई थी, वो जो जनहित में रोक थी उसके, उसको लेकर कई देवताओं को ये लगा कि भी हमको विजयदशमी के आने में रोक उत्पन्न हुई, हमारा मेला, कुंभ का मेला खराब हो गया, इसलिए एक पश्चाताप के स्वरूप हमारे यहाँ लोकल में एक यज्ञ होता है जिसको हम कहते हैं काही का। उसका आयोजन तब करते हैं जब कोई हमारे से जगह से देवता रुष्ट हो जाए और उसके लिए पश्चाताप करना हो, तो उसका नाम ही काही का है। तो वैसा वो यज्ञ करेंगे, और ये यज्ञ दशहरे के दौरान होता है। तो जैसे ही विजयदशमी के काम पर, उत्सव पर देवते आएंगे, उसके बाद उसका आयोजन होगा। एवरीवन, माय नेम इज प्रभजोत कौर। आई स्टडी इन आर्मी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सो आई एम इन क्लास 11 एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद द स्कूल। आर्मी स्कूल हैज मेड मी अ बेटर पर्सन। इट हैज हेल्प इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय स्टडीज एंड डिस्कवर माय सेल्फ। एंड द टीचर्स आर वेरी केयरिंग एंड आर इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स वेलबींग। The technology has made sure that the classes are interactive, educational and fun, which can be benefited for the student because the animations, the visuals, they make the concepts very clear easily.